निकलते वैसे ही 4-5 साल बाद हाथी जैसी फैक्ट्री होगी, 10 सालों के लिए महाहाथी हो जाएगी फैक्ट्री। जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती है वैसे इनकी फैक्ट्री और साइज भी बढ़ेगा। चाहिए ऐसी फैक्ट्री बगैर 5 पैसे लगाए। जितने भी साथी हैं इनका जो महीने का टर्नओवर एमराल्ड स्टार एमराल्ड यानी कि 1 करोड़ साल का टोटल करोगे तो करीबन 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। बगैर 5 पैसे लगाए, बगैर टेलीफोन लगाए, बगैर दुकान खोले, बगैर कुछ किए और अपने शहर के अलावा और 10-5 शहरों में पता नहीं इनका जीजा जो है कलकत्ता में है, फूफा दिल्ली में है और कोई और मद्रास में है, वो वहां पर काम कर रहा है, यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर नहा रहा है, पैसा यहाँ पर आ रहा है, उसका कपड़ा पैंट फट रहा है, पैसा यहाँ पर आ रहा है, वो चाय पत्ती पी रहा है, पैसा यहाँ पे आ रहा है। और ये अंतहीन सिलसिला है, जब तक धरती रहेगी और सूरज रहेगा तब तक ये आदमी रहेगा, तब तक इन सामानों की जरूरत पड़ेगी, तो एक अंतहीन फैक्ट्री का निर्माण होगा। एक बार सभी साथियों को, ये साथी नहीं है, ये चलती फिरती फैक्ट्रियां हैं, मूविंग फैक्ट्री 25 करोड़ की फैक्ट्री जारी करना होगी। फैक्ट्री को किसी फैक्ट्री को कैसे देगा, तो चार्टर्ड यहां पर तो उनसे पूछो वही वो फैक्ट्री, हाँ 40 करोड़ का टर्नओवर, वो फैक्ट्री 20 करोड़ का टर्नओवर, वो क्या ग्रोस क्या है, जीपी क्या है, ग्रोस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, एनपीए 1%, 1%, 2%, 2.5%, ऐसा ही है। कोई चार्टर्ड यहां पर बैठा तो इसी भाषा में बात करते हैं। और कभी भी किसी के चमकती गाड़ी से, दुड़ते हाथी से, कि हमने इतने की गाड़ी ले ली, इतने का देखो कांच का बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा आदमी होगा, कभी किसी से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी से इंप्रेस नहीं होता सिवाय उसकी बैलेंस शीट को देखे बगैर। जब तक वो बैलेंस शीट नहीं देख ले, जब उसको बैलेंस शीट दिखती तब पता होता है उस पर 5 करोड़ का काम करता, 20 करोड़ किसी के खागे बैठा है। गाड़ी चोरी की भी तो हो सकती है, उधार की भी तो हो सकती है, लोन की भी हो सकती है, हाँ जी। इसलिए किसी से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर इंप्रेस होना है तो अपने काम से इंप्रेस हो, तो आपको मिला है उससे इंप्रेस होने की जरूरत। कदम सिंह से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, आपको जो काम मिला उससे इंप्रेस हो ना, तो आपकी दिन दुगनी रात चौगनी मंगनी होगी। बात पकड़ आ रही है? Yes. तो भाई ये जो फैक्ट्रियां खड़ी करने का तजुर्बा इनके पास है, वो तजुर्बा ले लो, आपके साथ में पकड़ लो, राइट। और इन्हीं के साथ में हमारे पास रूम लिफ्ट चालू भी होंगे, एक बार आइए आइए है ना, आइए आइए अपने राजीव जी और सुजीत जी और अपना वर्मा जी, 100 करोड़ रुपये साल के 12-15 मतलब 40-50-60 करोड़, अभी 60 करोड़ की फैक्ट्री है सुजीत। बात पकड़ आ रही है? जो वर्मा जी नहीं है ये राजीव सुशील जी, ये सुशील जी नहीं है, ये सुशील 60 करोड़ की चलती फिक्ट्री फैक्ट्री है। और आप कुछ भी मत करो, ये 2-4-5 साल बाद 120 करोड़ की मिलेगी। आप कुछ भी मत करो, ये 550 करोड़ की मिलेगी, क्योंकि सरकार के आंकड़े हैं अगले 10 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1 लाख करोड़ का होने वाला है और इंडिया में सबसे बड़ा शेयर 33% का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आशंका है। दस 12,000 करोड़ में से 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास का टर्नओवर आरसीएम का है, यानी कि करीबन 30% का शेयर है। जब 1 लाख करोड़ पूरे देश का कारोबार होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो उसका 33% हिस्सा करीबन 30,000 करोड़ आज के 10 साल बाद, आज की तारीख में आपका शेयर 1%, 1.5%, 2% जो भी शेयर है वो अपना निकालो और 10 साल बाद क्या होने वाला है, तो आप बोलेंगे ये वर्मा जी नहीं है, ये 5,000 करोड़ की फैक्ट्री घूम रही है। और मजे की बात है, ऐसी फैक्ट्री है सारा डाका भी डाल सकता, बोल जल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता उसको। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, अभी कश्मीर में बर्फ पड़ी है, सारे काम धंधे सब बंद है, सब बर्फ के नीचे दबे, अपना अपना सामान लेके अपने अपने घरों में घुसे हुए, कारोबार बंद। बिहार में बाढ़ आएगी, क्या करोगे? 2 महीने सब बंद। बात पकड़ में आ रही है? ये वो फैक्ट्री है, दुनिया में कितनी भी आपदा आ जाए सुसरी फैक्ट्रियां चलती रहती है। करनी है ऐसी? करनी है क्या? कितने लोगों के मन के अंदर फूट रहा है, मजा आ गया हमारी ये चीज मन में उमंग, एक बार देखना जिसका भी उमंग हो ऐसा करना है। कई लोगों की ना इच्छा तो होती है लेकिन हाथ खड़ा करने का ना बहुत ज्यादा पड़ती है, कैसे करूं लोग देख रहे हैं। ये वैसे ही हालत है, यहाँ पे कुंवारे हैं कुछ लड़के लड़कियां, हाँ एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे,
जो कुंवारे हैं अपने खड़े शादी कराऊंगा उनके अंदर इन कुंवारों से इनके मम्मी पापा जब भी घर में बात करते हैं, बेटा बड़े हो गए हो तुम्हारी शादी कर दें, अगर लड़का होगा तो क्या करेगा, अभी नहीं कर रही है ना, आपको क्या लगता है उसको नहीं करनी, करनी है लेकिन मुंह से क्या बोलेगा, नहीं करनी, और घर से निकल जाएगा और जाके दोस्तों को बोलेगा आज ना मेरे घर में शादी की बात चली। तो आदमी के दो मुंह है, एक घर के लिए, दोस्तों के लिए। लड़की को कोई बोलता है घर वाले बेटा तेरी शादी कर देंगे, और जाके सहेलियों को बोलेगी तेरे को मालूम है, तेरे को मालूम आज मेरे घर में शादी की बात है। लड्डू तो फूटता है अंदर, कैसी फैक्ट्रियां खड़ी हो जाए, लड्डू फूटता है जिसमें दम होगा हाथ खड़ा करके तालियां बजा लो अगर लड्डू फूटता है। थैंक यू।